हमीरपुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के बाद उसे जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। मामला कोठा गांव का है। परिजनों का आरोप है कि गांव के दबंगों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने युवती को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। वहीं घटना के वक्त पीड़िता घर में अकेली थी और उसकी शादी इसी साल अप्रैल में मध्य प्रदेश में होनी थी। मम्मी को छोड़ने लिंगा गई थी, लिंगा से हम वापस आई तो एक लड़का राजपूत वो खड़ा था अंदर था, बाहर की लगी थी कुंदी, उसका छोटा भाई बाहर था और अंदर था, उसको जबरदस्ती चिल्ला रही थी हमारी दीदी। हम अंदर गए, खपरा कूद के अंदर गए उसके। अंदर जाते ही हमने देखा, हमने कहा यहाँ पे क्यों आया, तो उसने कहा कि यहाँ पे सांप मारने आए थे, सांप यहाँ पे था तो हम आए थे मारने, तो हमने वहाँ पे भगाया और हम दूर ही लोग गए और कछु नहीं, और फिर उसने अंदर की साँकल लगा ली और आग लग गई, दीदी की आग लगा दी। फिर आग लगाने के बाद फिर भीतर की बक्सा से सब खुली थी। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले को गैंगरेप के बाद आत्महत्या के मामले की जांच कर रही है। मृतका के पिता द्वारा दो लड़कों द्वारा, जो सगे भाई हैं, उनके द्वारा बलात्कार करने की और उसके पश्चात इज्जत लूटने के कारण आत्महत्या किए जाने की तहरीर दी गई थी। उसी की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज किया गया है, इसमें शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। दिल दहला देने वाली इस घटना से घर में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे घटना की सच्चाई के बारे में पता चल सके। पंजाब केसरी TV के लिए हमीरपुर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।